वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमराव। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है प्रसिद्धि विद्यालयों में 12 सप्ताह की कार्य योजना क्या है, यानी कि 12 वीक स्कूल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो कराई जाएंगी। तो पिछले 6 वीडियो में मैं ऑलरेडी 6 सप्ताह की कार्य योजना बता चुका हूँ। अब आज के इस वीडियो में बात करेंगे 7वें सप्ताह की कार्य योजना, देखते हैं। तो 7वें सप्ताह की अगर बात की जाए तो मॉर्निंग सर्कल टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्वागत बच्चों का करना है, फिर प्रार्थना, व्यायाम, स्वास्थ्य की जांच करना है, ओपन कन्वर्सेशन यानी मुक्त बातचीत, फिर कैलेंडर गतिविधि। अब बात करते हैं सप्ताह 7 में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। तो सबसे पहले स्वतंत्र खेल के रूप में बच्चों को कच्चा कच्च में उपलब्ध स्वतंत्र रूप से जो सामग्री है उससे निर्माण करेंगे, जोड़ तोड़, कलाकारी, कहानी आदि जो है ये एक्टिविटीज करेंगे। भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत मंडे को जो बच्चे हैं मंडे को शिक्षक द्वारा कहानी सुनाना व कहानी पर चर्चा करना। उसके बाद ट्यूसडे को है शिक्षक द्वारा कहानी सुनाना और बच्चों को अपनी भाषा में कविता कहानी सुनाने के लिए मौके देना। वेडनेसडे की अगर बात करें तो आकृति से आकृति, मिलाव और आकृति के रूप में इस्तेमाल शब्दों में पहली ध्वनि की पहचान, ना और माँ से बनने वाले शब्द का निर्माण कराना सिखाएंगे। उसके बाद थर्सडे की अगर बात करें तो आकृति से आकृति मिलाओ और आकृति के रूप में इस्तेमाल शब्दों में पहली ध्वनि की पहचान, ना और गाव से बनने वाले शब्दों की पहचान कराना सिखाएंगे। उसके बाद शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना, प्रथम ध्वनि की पहचान और हवा, मिट्टी, पीठ पर उंगली से बाड़ों की आकृति बनाने का अभ्यास करवाना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद सैटरडे को जो है किताबें उलटने पलटने के मौके देना, सप्ताह भर का रिवीजन कराना। अब बात करते हैं कला संबंधित गतिविधियों के बारे में। तो इसमें जो है मंडे को कोलाज बनाने की गतिविधि होगी। उसके बाद ट्यूसडे को आकृति में रंग भरना सिखाएंगे। उसके बाद वेडनेसडे को कोलाज बनाने की गतिविधि, थर्सडे को मुक्त चित्रकारी, फ्राइडे को कोलाज बनाने की गतिविधि और सैटरडे को मुक्त चित्रकारी। अब बात करें गणित EVS वैज्ञानिक सोच विषय के अंतर्गत मंडे को कौन कौन सी गतिविधि करानी है। तो मंडे को जो है परिमाण के साथ संख्या मिलान जो है ये सिखाया जाएगा। उसके बाद आकार गतिविधि यानी डेटा हैंडलिंग जो है ये सिखाया जाएगा। अगर बात करें वेडनेसडे की तो वेडनेसडे को एक के साथ एक मिलाओ, जैसे एक कटोरी के साथ एक चम्मच, एक थाली के साथ एक कप, इस तरीके से एक्टिविटीज जो हैं वो करानी है। अब बात करें थर्सडे की तो थर्सडे को जो है 1 से 10 तक की संख्या का परिचय कराएंगे। फ्राइडे को परिमाण के साथ संख्या का मिलान, 1 से 5 तक की संख्याओं को मिलाना बताएंगे। सैटरडे को जो है 1 से 10 तक की संख्याओं का परिचय कराएंगे। अब बात करते हैं बाहरी खेल के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है। तो मंडे को जो है लंबी पूंछ ऊंची पूंछ ये एक्टिविटी करानी है। उसके बाद ट्यूसडे को टीचर टीचर किसकी चाल ये करानी है। वेडनेसडे को जो है पकड़म पकड़ाई करानी है। थर्सडे को जो है कप्तान कहते हैं ये कराना है एक्टिविटीज। फ्राइडे को जो है गेंद के साथ खेल ये एक्टिविटीज करानी है। और सैटरडे को जो है पकड़म पकड़ाई यानी कि पकड़म पकड़ाई जो है सैटरडे को होगी। अब बात करते हैं गुड वाइज सर्कल टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है। मंडे को जो है शिक्षक एक एक करके बच्चों से अपने दिनचर्या का रोल प्ले करने को कहेंगे। ट्यूसडे को जो है शिक्षक बच्चों के साथ हुआ सवेरा कविता गाएं और बच्चों के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर चर्चा करेंगे। वेडनेसडे को शिक्षक बच्चों के साथ उनके परिवेश के बातचीत कहानी को करवाएंगे। थर्सडे को जो बच्चों के परिवेश में मनाए जाने वाले त्यौहार जैसे होली, ईद आदि पर चर्चा करेंगे। फ्राइडे को जो मेरा पसंद का खेल ये जो है एक्टिविटी कराई जाएगी। उसके बाद सैटरडे को शिक्षक बच्चों के साथ हुआ सवेरा कविता गाएंगे और बच्चों के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर चर्चा करेंगे। तो ये कार्य योजना जो है 7वें सप्ताह की है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 8वें सप्ताह में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।